वरुण जी, बेटा ये प्रसाद जाकर महक को देना, इसमें भगवान का आशीर्वाद है। जी। इस घर में सब अच्छा होने जा रहा है, सारी खुशियां वापस लौट रही है। सच वीना, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, हम केस भी जीतने वाले हैं और साथ साथ इस घर में एक नन्ना फरिश्ता भी आने वाला है। आई एम सो एक्साइटेड। वीना आंटी, मैं आपसे कुछ कह के गई थी। नहीं तो? वो अपने कमरे में नहीं है। यही कहीं होगी, ठीक से देखा तुमने? मैंने पूरा घर देख लिया, वो कहीं भी नहीं है। हेलो, वरुण ऋषि। हाँ कहो। वरुण, मैं केशव हॉस्पिटल में। क्या वो ठीक तो है ना? क्या हुआ उसे? वो मैं बाद में बताऊंगा वरुण, जितनी जल्दी हो सके तुम सब यहाँ आ जाओ। क्या हुआ? महक हॉस्पिटल में। What? क्या हुआ महक को? अम्मा, वो मामा मैं वहां से जा रहा था तो महक की चीख सुनाई दी। जब मैं वहां पहुंचा तो महक सीरियस फिसल कर गिरी हुई थी, इसलिए मैं उसे यहाँ ले आया। अब कैसी है? अच्छी तरह। अब मैं कैसी है? और वो बेहोश है। मैं उससे मिल सकता हूँ? हाँ। वरुण, जैसे ही दिन करीब आ रहा है, एक डर सा लग रहा है मुझे, बहुत घबराहट हो रही है मुझे। कैसे मैं? वरुण, वरुण संभालो अपने आप को, मैं ठीक हूं। तुम तो ठीक हो, लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? और हमारा बच्चा? कुछ नहीं होगा हमारे बच्चे को, हमारी प्यार की निशानी को कुछ हो भी नहीं सकता। तो बस एक छोटा सा एक्सीडेंट था। छोटा सा एक्सीडेंट था? अगर ऋषि वहां नहीं होता ना तो न जाने क्या होता। वो तो वक्त पे तुम्हें यहाँ ले आया, समझते नहीं हो तुम। काश ऋषि वहां नहीं होता तो शायद ये हादसा होता ही नहीं। मतलब? और जब तुम गए मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। देखो वरुण। नहीं महक, नहीं छोड़ूंगा उसे। वरुण, महक कैसी है? महक को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे की तुमने? वरुण, क्या हुआ? इसी से पूछे क्या हुआ, ये बताएगा आपको। क्या हुआ? क्या किया है इसने? ये जो पुलिस रोड बना के यहाँ खड़ा है ना, महक की एक्सीडेंट का जिम्मेदार ये है। क्या हुआ ऋषि, बताओ क्या हुआ? विश्वास नहीं हो रहा है आपको, विश्वास नहीं हो रहा है। पूछो इसे एक्सीडेंट के वक्त ये क्या कर रहा था। ये एक्सीडेंट किसी की वजह से हुआ है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। बस
मैं चुप हूं इसका मतलब ये नहीं कि मजबूर हूं, समझे तुम? मैंने कुछ नहीं किया। ए नाटक बंद कर। जब मैंने तुझे यहां देखा तभी मुझे समझ जाना चाहिए था इस सब का जिम्मेदार तू है। बस और कुछ मत बोलना तू, क्योंकि मैं कुछ भी सुनना बस नहीं करूंगा, समझे? ऋषि, महक के एक्सीडेंट की वजह तुम हो। मामा क्या? मेरी आंखों में देखकर बता ऋषि, सच क्या है? मामा मैंने कुछ नहीं किया। मामा मैं नहीं जानती ऋषि तू सच कह रहा है या झूठ, लेकिन इस वक्त मैं तुम्हें यहां नहीं देखना चाहती। निकल जाओ यहां से, निकल जाओ। डॉक्टर, डॉक्टर प्लीज अंदर चलिए, पेशेंट्स की हालत बहुत ही खराब है। क्या? चलो। अर्चिता, क्या हुआ? हमारी महक को कुछ होगा तो नहीं ना? शी इज इन अ क्रिटिकल स्टेट। देखिए प्लीज आप फिक्र मत कीजिए, मैं हूं ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप सब प्लीज हिम्मत रखिए। डांस कर दे। ओके चल। मुझे बर्बाद करके तू खुद यहां खुशियां मना रहा है। आई वोंट लेट यू लिव लाइक दिस। तुझे चांद से मार दूंगा ऋषि। अबे क्या दोस्तों की मदद से लड़ेगा? है हिम्मत तो चल बार, दिखाता हूं तुझे। लड़ने का बहुत शौक है। हाँ चल बार दिखाता हूं। ऋषि क्या कर रहे हो तुम? तुम बीच में मत आओ। तू ऋषि संभालो ना। ऋषि तुम बीच में मत आओ। ऋषि संभालो अपने आपको, क्या कर रहे हो तुम? ऋषि संभालो अपने आपको। अच्छा हो गया तू आ गया। वरना तुझे मारने के लिए मुझे अलग से आना पड़ता।
बहुत दोस्त बनते हो ना तुम दोनों। लेकिन मैं वादा करता हूँ कि मरने के बाद मैं तुम दोनों को आसपास दफनाऊंगा, फिर कब्र में बैठ के दोनों दोस्ती की बातचीत करते रहेंगे। जिसके खुद के पैर कब्र में हो वो दूसरों के बारे में इतना नहीं सोचते। बेहतर होगा तुम अपनी परवाह करो। मैंने पहला आदमी देखा जो मरने से पहले दूसरों के मरने की बात करता है। अरे कोई अच्छी बात सोची, मसलन कशिश का हंसता हुआ चेहरा याद किया होता। और वैसे भी तुषार, तुम्हारे मरने के बाद तो उसे सारी जिंदगी रोना है। खबरदार, अगर कशिश का नाम पे लिया तो कोर्ट तो तुम्हें बाद में मारेगी, उससे पहले मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। चलो ऋषि यहां से। ललित, ये बहने भी ना ट्विस्ट के बिना अपनी जिंदगी जी नहीं सकती हैं। पहले तो मैं कशिश की वजह से परेशान थी और अब मह की वजह से। हाँ, प्रेग्नेंट थी तो फिर नॉर्मल तरीके से डिलीवरी नहीं करवा सकती थी, हमें चौंकाने की क्या जरूरत थी। कभी तो सेंसिबल बात किया करो। वरुण के बच्चे के बारे में बात हो रही है, हम दोनों के पोते के बारे में। अरे पोता पोती की बात बंद करो, मुझे याद मत दिलवाओ कि मैं फिर से दादी बनने वाली हूँ। It makes me feel old. और मैं अभी भी बहुत एनर्जेटिक हूँ, मैं यंग हूँ, दादी वादी नहीं बनना चाहती। तुम्हारी जिंदगी भी इसी तरह एक झटके में बिखेर कर रखूंगा तुषार। अब देखना मैं क्या करता हूं तुम्हारे साथ। You just wait and watch. आंटी, आंटी मैं कैसे? ज्यादा चोट तो नहीं लगी उसे? और उसका बच्चा? Is he all right? बेटा डॉक्टर ने उसकी हालत क्रिटिकल बताई है। डोंट वरी, वो लोग पूरी कोशिश कर रहे बेटा। अर्चिता, मैं ठीक है ना? हाँ वरुण, शी इज ऑल राइट। अर्चिता, अगर वो ठीक है तो तुम इतनी उदास क्यों हो? क्या हुआ है अर्चिता? कोई कॉम्प्लिकेशन है? बताओ अर्चिता, मेरा दिल बैठा जा रहा है। वो ठीक तो है ना? आंटी वो हम मह के बच्चे को बचा नहीं पाए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये मजाक कर रही है। तुम मजाक कर रही हो ना? ऐसा नहीं हो सकता। मेरी महक ने मुझे एक बेटी देने का वादा किया था। ऐसा नहीं होगा। आपसे कुछ मिस्टेक हुई है। सॉरी। सॉरी फॉर व्हाट?
सब कुछ ठीक है, आप प्लीज अंदर जाइए, उसका ख्याल रखिए। देखिए आप सबको रुला रही हैं। मम्मा ये झूठ बोल रही है, मजाक कर रही है, आप इसका विश्वास मत करो। आप यहाँ क्या कर रहे हो? आप प्लीज उसे चेक कीजिए, वो प्रेग्नेंट है, उसे आपकी जरूरत है, आप प्लीज अंदर जाइए। मैंने महक के बच्चे को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन अरे बस यार, मजाक एक बार होता है, बार बार नहीं। देखो देखो सब लोग रो रहे हैं। मम्मा देखो आपकी पोती के बारे में क्या क्या कह रही है, बार बार समझाओ उसे, देखो ना क्या कह जा रही है। प्लीज ऐसा भद्दा मजाक मत करो हमारे साथ। मम्मा उसे कुछ नहीं हुआ, आप रो मत, बिल्कुल ठीक है वो। अरे हमने उसके नाम भी सोच लिया था, अगर लड़का होता ना या लड़की होता, जो भी, हम लोग उसके नाम सोचा था, प्रेम, संतोष या फिर किरण, कितना मजा आता ना मम्मा। पर ये आप प्लीज जाके चेक कीजिए उसे, ऐसे मत कीजिए, वो बेचारी अंदर, प्लीज उसको, मम्मा इसको मैं खुद जाके देखता हूँ। वरुण मम्मा शांत हो जाओ, संभालो अपने आप को, तुम्हारा बच्चा इस दुनिया से जा चुका। मम्मा आप इसकी बात का विश्वास कर रहे हो? तुमने आरएनजी में बॉम्ब लगा दिया, अब चुपचाप वहां से अंडरग्राउंड हो जाओ, तुम्हारे पैसे तुम्हारे पास पहुंचेंगे, ये काम करने के भी और अपना मुंह बंद रखने के भी, समझ गए? अब देखता हूं घरेवाल्स कैसे बचाते अपने बिजनेस को। आज रात में ही सब कुछ खत्म हो जाएगा। प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।